सब्सक्राइब करें थैंक्स इशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंत आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें जिस परमेश्वर ने आपको जीवन और श्वास दिया, आपके जीवन में एक नया दिन दिया है, एक सुंदर से सुबह दिया है ताकि परमेश्वर की आप महिमा कर सकें और उसका धन्यवाद कर सकें। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई खुदावंद ने आपको श्वासें दिया है, आपके जीवन में एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद दी है ताकि आप परमेश्वर की महिमा करें और अपने मन की बातों को, हर एक बातों को आप बताएं ताकि परमेश्वर आपके जीवन के हर एक अपराधों और गुनाहों को क्षमा करें और आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के जाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जिस तरीके लिखा हुआ है, यूहन्ना पुस्तक अध्याय 1 और वचन नंबर 29 में लिखा है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है, यीशु मसीह के बारे में यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। जैसे आज संसार के लोग क्या करते हैं, बलि चढ़ाते हैं बहुत सारी चीजों की, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं अपने इकलौते पुत्र की बलि दूंगा ताकि संसार के लोग, जगत के लोग, इस पृथ्वी के लोग परमेश्वर पर विश्वास करें और उसके नाम से जो भी आज आप प्रार्थना करेंगे, जो भी आज आप वचन सुनेंगे उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला वो खुदा है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। जैसे यीशु मसीह को भी सूली पे चढ़ाया गया, उसे मारा गया, उसे बहुत सारी तकलीफें दी गई, बहुत सारा झूठा आरोप लगाया गया, बहुत सारी बातें कही गई। क्या प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया उन्हें? नहीं, क्योंकि यीशु मसीह जानते हैं कि मैं इस जगत के पापों को अंत करने के लिए आया हूं, ना कि किसी से बात विवाद करने आया हूं। हालेलुया। उसी तरीके आज हमारे जीवन में ही कि खुदावंद का वचन कहता है कि हे मेरे बेटे और बेटियों, आज हमें किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं और खुदावंद आपके जीवन में आपको आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, पहला यूहन्ना अध्याय 3 और वचन नंबर 5 में लिखा है, और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं है। किसके स्वभाव में? यीशु मसीह के स्वभाव में किसी भी प्रकार का कोई भी पाप जीवन में नहीं है। हालेलुया। वो हमारे लिए प्रकट हुआ, हम सब पापियों को बचाने के लिए, हम सब मसीह भाई बहनों को बचाने के लिए वो खुदावंद ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्या आज आपने जीवन में सुख पाना चाहते हैं? क्या अपने जीवन में आप शांति पाना चाहते हैं? क्या अपने जीवन में हर एक कामों में आशीष पाना चाहते हैं, बरकत पाना चाहते हैं? तो आपको यीशु मसीह को ग्रहण करना होगा, आपको परमेश्वर को ग्रहण करना होगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के मन में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं था पूरे जीवन काल में यीशु मसीह के, लेकिन आज हमारे जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी पाप का ही संख्या भरा रहता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है, ये संसार के लोगों के विषय में कहता है परमेश्वर। तो आज अपने मन की बातों को आप परमेश्वर से कहें, खुदावंद आपके जीवन को आशीष देगा, आपको बरकत देगा। इसीलिए वो प्रकट हुआ इस सृष्टि पर कि हर एक प्रकार के मनुष्यों के पापों, अपराधों और गुनाहों को वो क्षमा करे और उसके हर एक पापों को मिटा दे ताकि आप एक नया जीवन पाए, एक आशीष भरा जीवन आपको मिले। इसीलिए यीशु मसीह के जीवन में कोई ये कह दे कि नहीं यीशु मसीह के जीवन में पाप था, नहीं, यीशु मसीह के जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई पाप नहीं हुआ और ना ही यीशु मसीह ने कभी पाप किया है। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो पाप करते हैं और अपने पाप को स्वीकार नहीं करते हैं मैं उनके अपराध और गुनाहों को नहीं क्षमा करता हूं। जो अपने पापों को मान लेते हैं, अपने गुनाहों को मान लेते हैं, मैं उसके जीवन में, उसके घर में, उसके परिवार में, उसके बच्चों के जीवन में, उसके हर एक खेत और किसानी में, हर एक चीजों में, नौकरी में, जॉब में, हर एक चीज में बरकत में देने वाला हूँ, मैं उनके हर एक गुनाहों अपराधों को क्षमा करने वाला हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दी है।
कौन कहता है? यीशु मसीह कहते हैं। तो आज हमारा जो गुरु है, आज हम जिसके नाम से प्रार्थना करते हैं, आज हम जिसके नाम से दुष्ट आत्माएं निकालते हैं, आज हम जिसके नाम से अनेक प्रकार की बीमारियों को ठीक करते हैं और वो ठीक होता है, वो केवल यीशु मसीह के नाम से होता है, जो पवित्र लहू के द्वारा आज हमें परमेश्वर ने बचाया है। उसने अपना लहू इसीलिए बहाया, उसने अपना प्राण इसीलिए दिया ताकि हम सभी को बचा सके। हर एक परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपना एक लौता पुत्र खो दूंगा तो मेरे पास लाखों करोड़ों कोई गिनती नहीं है, मेरे पास इतने बेटे और बेटियां हैं। क्या आज परमेश्वर की आप संतान नहीं हैं? क्या आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां नहीं हैं? हैं। खुदावंत का वचन कहता है कि आप सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, आप उसकी संतान हैं, वो हमारा पिता है। इसीलिए हमें धन्यवाद करना चाहिए इस सुंदर से समय के लिए कि खुदावंत हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कोई मनुष्य स्वयं को पाप से शुद्ध नहीं कर सकता है। ये बात यीशु मसीह ने कहा था। क्या कहते हैं? कोई मनुष्य स्वयं से यानी अपने आप से पाप से शुद्ध नहीं कर सकता अपने आप को, क्योंकि याकूब के पुस्तक अध्याय 9:30-31 में लिखा है, चाहे मैं हिम के जल से स्नान करूं और अपने हाथ खार के निर्मल करूं तो भी तू मुझे गड्ढे में ही डाल दिया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो आज संसार के लोग करते हैं, जल से स्नान करते हैं कि हम पवित्र हो गए, नहीं। परमेश्वर ने कहा नहीं, चाहे जितना भी आप स्नान कर लो, कितना भी पूजा कर लो, कितना भी पाठ कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपके अपराध और गुनाह नहीं क्षमा होंगे जब तक आप यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे और यीशु मसीह के जीवन के द्वारा आपके जीवन में आशीष नहीं आएगी, तब तक आपके उद्धार नहीं होगा, आपके जीवन में काम सफल नहीं होंगे, ये परमेश्वर कहता है। इसीलिए आज अपने हर एक गुनाहों को, अपराधों को मानते हुए उस खुदा का धन्यवाद करिए कि जिस परमेश्वर ने आपको सुंदर से समय दिया, श्वासें दिया, आपको जीवन दिया, आपके जीवन में आशीष दिया, आपके जीवन में बरकत दिया, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिस परमेश्वर ने आपको अभी तक सुरक्षित रखा है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यर्मिया के द्वारा यहाँ पे कहा गया था, 2:22 में लिखा है, चाहे तू अपने आप को सज्जी से धोए और बहुत चाहे जितना साबुन सा प्रयोग करे तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। यहाँ पे यर्मिया कहता है चाहे किसी भी प्रकार की वस्तुओं से आप धुल लें। बहुत सारे लोग होते हैं जब आपके जीवन में लग जाता है किसी प्रकार की चोट, आप दवा लगाते हैं और आपके कपड़ों में दाग धब्बे लग जाते हैं, उसके लिए साबुन का इस्तेमाल करते हैं, और आप जब नहाते हैं तब भी आप साबुन का इस्तेमाल करते हैं, आपके शरीर का तो आपके कपड़ा का धब्बा मिट जाता है, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे जो पाप का धब्बा लगा है वो नहीं मिटेगा जब तक आप यहोवा से प्रार्थना नहीं करेंगे और उसकी वाणी को, उसकी बात को आप सुनेंगे नहीं, तब तक आपके जीवन में वो धब्बा मिटने वाला नहीं है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह के रक्त के द्वारा आज हमें क्षमा मिलता है और पाप का इलाज यही आज हमारे जीवन में है। जिस तरीके से इफिसियों पुस्तक का 1:7 में लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिला है, अर्थात जो आज हम अपराध करते हैं, गुनाह करते हैं, किसके लहू के द्वारा आज हमें क्षमा मिलता है? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। इसीलिए परमेश्वर के वचन पे ध्यान करिए और खुदावंत का वचन कहता है यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है और छुड़ाता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो पाप से रहित नहीं है, जो पाप से रहित नहीं है। इसलिए सभी को एक कर्तव्य उनका जीवन में बनता है कि वो उद्धारकर्ता को ग्रहण करें और उनके जीवन में परमेश्वर आशीष दे और बरकत दे। इसीलिए गलातियों पुस्तक में भी परमेश्वर का वचन वहां पे कहता है, 3:22 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने वहां पे कहा था, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया। रोमियो 3:23 में वहां पे लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन बाइबल में कहता है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, वंचित हैं। इसलिए आज आप परमेश्वर की महिमा करेंगे, आज आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और खुदावंत आपके जीवन में आपको आशीष देगा, आपके हर एक कामों में आपको परमेश्वर आशीष देने वाला है, बरकत देने वाला है, क्योंकि वो खुदा जानता है कि ये मेरे बच्चे और मेरे बेटे और बेटियां हैं। आप सबके पास भी बच्चे होंगे, आप सबके पास बेटे और बेटियां होंगे। जितने आज मेरे बहने भाई बहन सुन रहे हैं,
आपके पास बच्चे होंगे, आपका बच्चा कितना भी बड़ा गुनाह क्यों ना करें, लेकिन आप उसके अपराधों को क्षमा करते हैं, लेकिन उससे पहले आप उसे सजा देते हैं, उसे चेताते हैं ये गलतियां दोबारा ना हो, आप करते हैं। वैसे हमारा पिता है, मैं कहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे कहता हूं कि तू संभल जा, वरना मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। जैसे आप अपने बच्चे को कहते हैं, डांटते हैं, मारते हैं, उसके बाद उसे गले भी लगाते हैं, उससे प्यार भी करते हैं, प्रेम भी करते हैं, वैसे हमारा खुदा है, वैसे हमारा परमेश्वर है, वैसे हमारा पिता है। तो हमारा पिता हर एक अपराध और गुनाह को क्षमा करता है। क्या आज सब लोग दूसरों के अपराध और गुनाह को क्षमा करते हैं? आपको करना होगा। आपको आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, तो आपको प्रार्थना करना होगा, हर एक गुनाहों को, अपराधों को आपको क्षमा करना होगा। यदि किसी दूसरे से गलती होती है, उसके लिए दुआ करो, प्रार्थना करो, और अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, सभी के लिए दुआ करो, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और खुदावंद आपको आशीष दे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं, और आपसे निवेदन करना चाहूंगा इस कलीसिया की आप सहायता करें, मदद करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ करके आप परमेश्वर के वचन में लाइए, ताकि परमेश्वर की महिमा हो, और इस प्रार्थना को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ताकि और लोग परमेश्वर की महिमा करने पाए। तो आइए प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करते वक्त आप विशेष ध्यान रखिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और मन में याद करते जाइए कि परमेश्वर ने कहा क्या है। वह आपके हर एक गुनाहों को, अपराधों को वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वाले यीशु मसीह के नाम से आज मेरे घर को, आज मेरे परिवार को, सभी को देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूँ पिता परमेश्वर, जो आज आपके बच्चे आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं और अपने मन की बातों को कहते हैं पिता, आप उन्हें हर तरीके से छूने वाले हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है, इस प्रार्थना के द्वारा आज आपकी जिंदगी में हर प्रकार की समस्या जाने वाली है, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली है, हर एक प्रकार की बुराई आपके जीवन से निकलने वाली है। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज जितने मसीह भाई बहन घबराए हुए हैं, परेशान हैं, खुदा उनकी जिंदगी को छूने जा रहा है। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आपके घर से आज हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज जितने भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, वो आज अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा, आज उनकी प्रार्थना को सुनने वाले आप हैं, उनको दुख से दूर करने वाले पिता आप हैं, उनको हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, की स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हम यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की समस्याएं दूर हो यीशु मसीह के नाम से, निकले इनके जीवन से। आज जो बच्चे, आज जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं, और वो अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता उन्हें आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे पिता परमेश्वर, आगे वो पढ़ाई कर सके और जीवन में कुछ कर सके पिता परमेश्वर, आज उनके घर से दुष्ट आत्माओं को निकाल यीशु मसीह के नाम से। आज वो सब कुछ निकलने वाली है, आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है पिता, आपकी जिंदगी में हर वो घटी कमी को पूरा करने के लिए, आज वो आपके जीवन को मजबूत करने के लिए आज पिता से प्रार्थना करिए, दुआ करिए, खुदा आपके जीवन को बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन के देख रेख करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रिय अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, जो आपके वचन को सुन करके पिता प्रार्थना करते, विनती करते हैं और आपके वचनों पे चलते हैं, विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जिंदगी से हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम दुआ करते हैं
और जो भी पिता आपका वचन है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम प्रार्थना और विनती करते निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की समस्याएं निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा, उसके घर से, उसके जमीन से, उसके खेत से, उसके परिवार से, उसके जीवन से, उसके शरीर से, उसकी हर प्रकार की आत्मा में जो आज शैतान घुसा बैठा है, आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज जो बहनें रो रही हैं, जिन भाई के आंसू निकल रहे हैं, आज उनके घर में बरकत नहीं आ रही है, आशीष नहीं आ रही है, पैसे की प्रॉब्लम्स है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं, आज जिन बच्चों के जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां हैं, आज किसी का शादी नहीं हो रहा, यीशु मसीह के नाम से हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज उनके परिवार में खुशी आने वाली है, उनके बेटियों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके बेटों के लिए, सभी के लिए पिता परमेश्वर आपको बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, खुदा आज उनको छो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। अपने हाथों को उठाइए और अपने हाथों को उठाइए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आज मुझे आप आशीष देंगे, मुझे बरकत देंगे, मुझे हर प्रकार की बीमारियों से, सर्दी, जुखाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार के दर्द, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के जो भी किसी भी प्रकार की समस्या, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, वो आज आपकी जिंदगी से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आज हमें जीवन में, आज हमें आशीष देने वाले हैं, बरकत देने वाले हैं, छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं खुदावन्द यीशु मसीह के नाम से कि आप हमें मजबूत करने के लिए पिता परमेश्वर, हमें आशीष देने के लिए पिता परमेश्वर आपने इकलौते पुत्र को भेज करके में पिता परमेश्वर आपने हमें बचाया है उस यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के नाम से, और हमारे पापों को अपने सिर ले लिया पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, मेरे प्रियों परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए। तेजी के साथ अपने आंखों को बंद रखें और अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर को स्वर्ग की ओर कहिए कि पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, आप इस सृष्टि के मालिक हैं, जीवन दाता हैं, आप जीवन देने वाले परमेश्वर हैं, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इनके बेटे के जीवन से जो हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर अपने बेटे के सिर पे, जहां पे किसी भी प्रकार का कोई दर्द है, यीशु मसीह के नाम से वहां पर हाथ रखिए, या किसी भी प्रकार की समस्या है, यीशु मसीह के नाम से आज जिनके पास बच्चे नहीं, खुदा उन्हें बच्चा देने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है, उन महिलाओं को परमेश्वर आशीषित करने जा रहा है, उनके घर में खुशियां देने जा रहा है, उनके घर में बेटे और बेटियां देने जा रहा है, यीशु मसीह के नाम से दूर हुई, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा सत्कलम 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 सत्कलम, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। आज उन बहनों के जीवन में खुशी आए पिता परमेश्वर, जो अपने लिए सोचते हैं कि हमारा एक बेटा हो, एक बेटी हो पिता परमेश्वर, उन्हें आशीष दे, क्योंकि आप हर एक चीज को करने वाले हैं, आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है पिता परमेश्वर। हम जानते हैं कि आप वचन में लिखा है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की समस्याओं को हम आज्ञा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। आज इनके जीवन से, इसके कोख में जो भी किसी प्रकार के बंधन से, यीशु मसीह के नाम से हर एक प्रकार के बंधन टूट जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल, यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गूंगी बहरी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल, यीशु मसीह के नाम से पवित्र लहू के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। सभी लोग आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से अपने काम के लिए,
लिए, अपने जॉब के लिए, अपने काम के लिए, हर एक चीजों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने हर एक कामों के लिए, घर में बरकत के लिए, आशीष के लिए, हर एक चीज के लिए दुआ करिए, प्रार्थना करिए। आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके जीवन से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने जा रही, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, निकल यीशु मसीह के नाम से। हे दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से, पवित्र नाम के द्वारा, यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्या उनके बच्चों के जीवन में, उनके बच्चे रो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी भी स्थान में दर्द है, वहां पे हाथ रख करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपसे दुआ, प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर। आज अपने बच्चों को हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की मुसीबत की घड़ी से निकाल करके उठा पिता परमेश्वर, और उन्हें बड़े ऊंचाइयों तक ले जा पिता परमेश्वर। आज जिसके आंसू बहते हैं, जिसके आंसू नहीं रुकते हैं, खुदा उन्हें आज आशीष देने जा रहा है, उन्हें बरकत देने जा रहा है, उन्हें छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आपकी जिंदगी से हर प्रकार की रसोलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं, जिनके आज वीजा नहीं लग रहे हैं, जिनको फौरन जाना है, जिनके आज काम नहीं हो रहे हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, जिनको जॉब नहीं मिल रही है, जिनको काम नहीं मिल रहा है, जिनकी बेटियों की शादी नहीं हो रही है, हर एक चीज के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। निकल हर प्रकार की समस्या है उसके घर से, निकल यीशु मसीह के नाम से। और यीशु मसीह के नाम से हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आप हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में, जिन लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर आपने आशीष दी, बरकत दिया, उनके जीवन से हर प्रकार की जो भी एक मार्ग बंद पड़ा यीशु मसीह के नाम से, जो क्लोज है, ओपन हो जा, ओपन हो यीशु मसीह के नाम से, ओपन खुल जाए इसी वक्त उसके घर का दरवाजा, उसके लिए एक नया रास्ता, उसके लिए एक नया मार्ग यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त खुले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सभी लोग हाथ उठा करके परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है, परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में हर एक घड़ी और कमी को पूरा किया है और हर एक प्रकार की समस्याओं को दूर कर दिया है। आपने विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण किया, खुदा आपके जीवन में हर एक चीज को बरकत और आशीष देने वाला वो परमेश्वर है, इसीलिए आपको घबराना नहीं है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो हर एक चीजों को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दान भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा कहे परमेश्वर उसमें आपको, आपके परिवार को बरकत देगा। गॉड ब्लेस यू। आमीन।